हेलो गाइस, एक लेटेस्ट एडिटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, आज अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन से एक लोगो बनाऊंगा। ये मैं पिक्चर पिक्सल लैब्स का ऐप यूज़ कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लोगो बनाऊंगा 3D। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, न्यू टेक्स्ट है, न्यू टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ए पे आइए। ए पे आने के बाद यहाँ पर देखिए शेप लिखा था, यहाँ पर शेप पर क्लिक कर दीजिए। शेप पे क्लिक करने में जो रेडियस है, रेडियस को बढ़ा दीजिए, जो इसको 100 कर दीजिए, सर्कल में आ जाएगा। सर्कल में आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे हमारा आ जाएगा। यहाँ पे इसके बाद तो स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पे स्टॉक लिखा आएगा, स्टॉक पे क्लिक कर दीजिए। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका ब्लैक कलर लीजिए। ब्लैक आपको जैसा कलर पसंद है वैसा कलर आप ले सकते हैं। यहाँ मैं ब्लैक लेता हूँ तो ब्लैक में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम एक और लेंगे सर्कल, इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज़ दिखेगा नहीं हमें ये। इसको हम ब्लैक, इसको रेड कर लेते हैं। तो रेड करने के इसको भी सर्कल को 100 कर दो, 100 पे ठीक है, सेट है। तो यहाँ पे इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके जाने के बाद फिर यहाँ पे हम जाएंगे स्टॉक पे, स्टॉक पे क्लिक कर दीजिए, स्टॉक को एनेबल कर दीजिए। यहाँ पे इसका जो आ जाएगा इसका ये ले लीजिए। सपोज़ आप कलर जो चाहिए आप इसमें कलर्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कलर यहाँ पे इसको कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इसमें आइए। इसके आने के बाद यहाँ पे हम कलर लेंगे, इसमें यहाँ पे कलर में जाइए तो कलर में क्लिक कर दीजिए, इसको एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद यहाँ सपोज़ हम ब्लैक ले रहे हैं तो ब्लैक ले सकते हैं, ऐसे कैसे रेड लेना था रेड ले सकते हैं। चलिए हम ब्लैक ही यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंगे, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट को यहाँ पे उठा के यहाँ ला दीजिए। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट पे आइए। एडिट पे आने के बाद इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे कैपिटल करके यहाँ पे ए कर लीजिए। ए पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए, बड़ा करने के बाद थोड़ा इसको काट दीजिए। काट करने के बाद अब फिर से टेक्स्ट में जाइए, फिर टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे फिर इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ पे अपना जो लोगो, जिसका लोगो आप नाम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको ओके कर दिया मैंने, तो उसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे अब इसको क्या करना है, इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको हम अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से इस सेट हो जाएगा। यहाँ पे सेट होने के बाद देखिए हमारा ऐसे आएगा। अब इसमें क्या करना है, सपोज़ आपको इसमें कलर सेट करना है तो यहाँ पे आप कलर भी इसमें सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसको हम कलर दे देते हैं। यहाँ से आप इसे रेड देना रेड दे, ब्लैक देना ब्लैक दे सकते हैं। अब इसको मैं ब्लैक ही देता हूँ, तो यहाँ से फिर ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पे देखेगा इसी हमारा, सपोज़ इसका आप कैसे वाइट करते हैं तो वाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे वाइट भी आ जाएगा। देखिए हम ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक अच्छा ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर हम ब्लैक कर देते हैं। ये देखिए हमारा ये ब्लैक हो चुका है। सपोज़ इसको 3D बनाना है तो 3D बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए नीचे, नीचे स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पर इसको क्या करना है, एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का ऐसे कर दीजिए, 32 कर दीजिए। 32 करने के बाद यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, मतलब ओके। यहाँ पे ए पे करना तो ए को भी 3D बनाना है तो यहाँ पे ए को भी हम नीचे कर देंगे ऐसे। यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद इसको भी 32 कर दीजिए। और गाइस देखिए हमारा ये थोड़ा लोगो दिखने लगा है बना हुआ। इसमें क्या करना है, सपोज़ अपना पूरा नाम, अपने चैनल का पूरा नाम देना है तो यहाँ पे इसको ऐसे ला दीजिए। यहाँ पे इसको ऐसे,
अब इसको एडिट करना है तो यहाँ अपना चैनल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए, थोड़ा इसको छोटा कर लीजिए। यहाँ पे इसको अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3D बनाना है, इसको 3D पे 3D को इसे ऐड करके यहाँ पे एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद इसको थोड़ा भी ऐसा 32 पे सेट कर दीजिए। ठीक है, देख जबरदस्त लोगो बन चुका है, लेकिन इसमें कलर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है हमारा, तो हमसे क्या करेंगे इसको जो हमारा इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं कि अच्छा आ जाएगा कुछ। अब इसको हम अब इसको क्या कर देंगे, हम इसको वाइट कर देंगे तो वाइट में और अच्छा दिखेगा। ये देखिए गाइस, हमारा लोगो 5 और 6 मिनट के अंदर हमारा लोगो तैयार हो चुका है।